मैंने यहाँ पे देखा कि एक में इतने सारे सामान मिल रहे हैं, तो अगर ट्रैकिंग के लिए जाना है आपको तो आप यहाँ से ले सकते हो। हैवी पैडिंग होती है इसके अंदर, ये वाटरप्रूफ कपड़ा होता है। मतलब ये पावर बैंक मेरा है, मैं साथ लेके आया था और ये पावर बैंक से भी चल गया, सही में चिकन बन जाएगा ये। हाँ। या जैसे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो या ट्रेन वगैरह में यूज करना है तो ये सुटेबल है। देखो इसको खोलने में 20 सेकंड भी नहीं लगे हमें। ये थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आया एक शॉप पे जिसका नाम है विनायक का, विनायका नाम है स्टोर का, बट मैंने यहाँ से बहुत सारा सामान लिया है तो साथ में मैं ये भी देखूंगा यहाँ पे कि अभी यहाँ पे क्या क्या ट्रैकिंग के लिए मिल सकता है। वैसे तो बोलने वाली बात है, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है ट्रैकिंग के लिए, जैसे सॉक्स वगैरह, -5 का टेंट वेंट भी आएगा, बाकी सब आइटम मिल जाएंगे। तो दुकान सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे पास ट्रैकिंग में A to Z आइटम मिल जाएंगे आपको, जैसे आपको बताऊँ -25 तक के आपको स्लीपिंग बैग मिल जाएंगे, 500 से रेट स्टार्ट हो जाते हैं 2500 तक के। हमारे पास सब टाइप के टेंट मिल जाएंगे आपको, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, उसके बाद में अल्पाइन टेंट मिल जाएंगे। अल्पाइन टेंट हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए उसमें लैट्रिन बाथरूम वगैरह और बड़े जो डोम टेंट वगैरह जैसे भी टेंट हो आप हमारे से बनवा सकते हो एज पर योर ऑर्डर। उसके अलावा हमारे पास टेंट की ये स्टिक होती हैं, उसके बाद में ये आगे लगाने का चकमक होता है, गर्म सॉक्स होती हैं, वूलन सॉक्स, बाइक के लिए वो शटल बैग भी रखने चालू, शटल बैग। हाँ। ये है शायद शटल बैग, दिखा देना भैया एक बार, शटल बैग है। उसके बाद में हमारे पास पैंट मिल जाएंगी आपको, ये शटल बैग होता है जी, बाइक के राइट और लेफ्ट में दोनों साइड में लग जाते हैं जी। हाँ। उसके अंदर में ये साइड में रिफ्लेक्टर लाइट भी इसमें वो होता है, रेडियम। हाँ, ये रेडियम रात को चमकेगा। हाँ, ये इसके अलावा इसके अंदर में ये तीन पॉकेटें होती है, राइट लेफ्ट और ये एक बैक साइड में। इसको आप, इसके अलावा आप इसको है ना खाली सिंगल बैग में ऐसे यूज कर सकते हो। हाँ, और जैसे करने के लिए हैंडल भी। हाँ, जैसे बाइक पे भी है तो उतार के जब होटल पे जा रहे हैं तो अपना हाथ में लेते हुए निकल जाओ, उतार भी सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये ऑल पर्पज है, आप कौन सी भी बाइक में लगा सकते हो, आप छोटी मोटरसाइकिल से लेके बड़ी मोटरसाइकिल तक लगा सकते हो। दोनों ये दोनों जोड़े आते हैं, राइट लेफ्ट का पेयर होता है, जिसकी कीमत बहुत ही कम है, पूरे दिल्ली के अंदर में 2500 रुपए में हम आपको ये देंगे, 2500 में। हाँ, और अच्छी क्वालिटी है, कौन सी भी बाइक पे आप लगा सकते हो, जबरदस्त, मतलब कोई वेल्डिंग का खर्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, किसी के पास नहीं जाना। इसके अंदर में ये साइडों में बेल्ट होती है, एक दूसरे बैग के अंदर से ये फंसा के, वेलक्रो सिस्टम भी है और ये दूसरा बेल्ट इसके अंदर में लग जाएंगे। लाइट भी हमारे पास में हेडलैम्प मिल जाएंगे, 150 का हेडलैम्प है, उसके बाद में 350 का है, उसके बाद में ये 350 में और दूसरा मॉडल है, उसके बाद में हमारे पास ये बड़े हेडलैम्प भी मिल जाएंगे आपको, जैसे आप बाइक वगैरह से जा रहे हैं तो ये आपको लाइट का भी काम करेगा और ये इसके अंदर में इंडिकेटर भी है। तो जैसे पीछे से कोई आ रहा है अगर हम चल रहे हैं, पीछे इंडिकेटर मिलता तो ये इंडिकेटर भी सही है, कुछ लेके जा रहा है। हाँ। इसके अलावा इसके अंदर में डबल फंक्शन है, इसको आप है अपने कार से भी चार्ज कर सकते हैं और ये लाइट से भी चार्ज हो जाएगा, सही है। और ये कितने के, ये 650 का है, एक दूसरा मॉडल और है वो 550 का, वो 550 का। ये एक दूसरा मॉडल होता है ये 550 का, इसको आप माथे पे लगा के ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, ये सेम चीज इसमें भी है। हाँ, इसके अंदर में ये भी बैक में लाइट होती है, इसमें बड़े बड़े सेल होते हैं, ये बड़े सेल होते हैं इसके अंदर में, अच्छा बड़े चार्जिंग वाले, और इसमें भी डबल ही ऑप्शन है, आप कार से भी चार्ज कर सकते हो और लाइट से भी चार्ज कर सकते हो। ये वाला मुझे और अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर दो है ऑप्शन, ये भी है और ये भी है, लिंक भी हो रही है। हाँ, तो ये दोनों तीनों हो जाएंगे, ये देखो, एक मिनट के लिए लाइट बंद करके देखें तो समझ आ जाएगा इसका, अभी लाइट बंद करके देखते हैं और इसका देखो, ये देखो जबरदस्त, दिखाओ वहां का, सही है भाई, सही है, ये भी है, इसमें ये सिंगल लाइट है, इसमें साइड में ये ब्लिंक करने के लिए लाइट है। हाँ, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी यहाँ पे आके कि मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, वैसे मैं सामान लेने आया था अपना, बट मैंने यहाँ पे देखा कि एक जगह इतने सारे सामान मिल रहे हैं, तो अगर ट्रैकिंग के लिए जाना है आपको तो आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर प्राइस की बात करें तो मेरा कोई मतलब, मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे
बट मुझे जो सबसे पहले आके देखी है मेरे को यहाँ के प्राइस प्राइस कंपेयर करूँ तो मेरे को बहुत सही प्राइस लगे। अभी आपने एक मेरे को वो भी दिया है ना स्लीपिंग बैग। हाँ स्लीपिंग बैग हमारे पास में हर तरह के टेम्परेचर की मिल जाएंगे। छोटा दिखा दीजिए 500 वाला दिखा दीजिए। ये हमारे पास में 500 से स्टार्ट रेंज है। अच्छा ये आपको प्लस में रहेगा माइनस में यूज नहीं होएगा। जैसे दिल्ली की सर्दी के लिए हाँ। या जैसे आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो या ट्रेन वगैरह में यूज करना हाँ, है तो ये सुटेबल है। ये सही है। इसके अलावा फिर 750 का है, फिर 800 का है, फिर 1050 का है, 1250 का है। अच्छा फिर अगर लेह लद्दाख वगैरह जाओगे तो 1500 रूपए का है, 1650 रूपए का है। और उसके अलावा हमारे पास कपल स्लीपिंग बैग भी है। कपल स्लीपिंग बैग इसके अंदर में आप मियां बीबी और साथ में बच्चे को भी लेके सो सकते हो, या चलो मियां बीबी नहीं है तो तीन यार दोस्त भी आराम से उसमें सो सकते हो। और उसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर आप उसको ऐसे रेजाई की तरह ओढ़ भी सकते हो उसको, और एक ऑप्शन है उसके अंदर में आप उसको सिंगल सिंगल दो स्लीपिंग बैग भी बना सकते हो। हमारी दुकान पे आके भी ले सकते हो, अगर दिल्ली में हो या दिल्ली NCR में हो तो आप हमारे से कोरियर से भी मंगवा सकते हो। हमारे पास कोरियर भी सुविधा है, यहाँ लोकल दिल्ली के अंदर में पोर्टर वगैरह से भी भिजवा देंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका गूगल की लोकेशन भी डाल दूंगा और साथ में विजिटिंग कार्ड की भी डाल दूंगा। नीचे स्क्रीन पे भी जो नंबर आ रहा है ये नंबर है। उसके अलावा हमारे पास गर्म में जैकेट होती है, वाटरप्रूफ पैंट होती है, उसके बाद में कई तरह की जैसे ये वाली है ये पैंट। हाँ ये वाटरप्रूफ पैंट है और बहुत वार्म है, ये अंदर से देखो गर्म है एकदम। सही है देखो ये अंदर से भी गर्म है और इधर से आवाज आ रही होगी बढ़िया है। सही है। उसके अलावा ये हमारे पास में जैकेट, ये पैंट का प्राइस क्या है उसका 1250। ठीक है पैंट 1250 होती है। और ये अभी आपने बताया नया माल आया आपके पास फ्रेश जैकेटें भी होती है इस टाइप में जी, 5-6 कलर में होते हैं, साइज भी सब इसमें मिल जाते हैं। ये कलर जबरदस्त लग रहा है, ये भी 1250 की। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बड़े रक्सक बैग होते हैं, ट्रेवलिंग पे आप जाओगे तो आपको सामान को डालने मिलिट्री वाले बैग। तो ये देखो जी हमारे पास ये पूरा 65+10 लीटर होता है, ये 10 लीटर का डिटेचेबल पॉकेट होता है इसमें, ये पूरा एक छोटा रख सकती है। सही है ये अलग हो जाता है। हाँ, ये हैवी पैडिंग होती है इसके अंदर। सही है। और ये वाटरप्रूफ कपड़ा होता है, इसके अंदर भी 4-5 कलर एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं हमारे। अच्छा अब आप एक कलर ये है और एक साथ में कलर ये वाला है, प्रिंट कलर भी होता है इसके अंदर, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है, 4-5 कलर होते हैं आपके पास। होते अलावा हमारे पास 17 की लाइट भी होती है, एक ये वाला कलर है। और ये बैग कितने के हैं सबका एक ही रेट है 1650 रूपए? नहीं 1400 रूपए से लेके 1650 रूपए तक है। अच्छा आपके पास क्वालिटी का फर्क है थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा हमारे पास हैंड ग्लव होते हैं और ये -5 में काम आ सकता है। ये लाइट होती है, लाइट बड़ी जबरदस्त है, एक बार दिखाना मुझे तो आपने दिखाई थी अभी, एक बार और दिखा दो व्यूअर्स को। ये देखो लालटेन बन गया इसका। इसके अंदर में आप बल्ब भी एक्सटेंशन कर सकते हो। हाँ इसके साथ ही होता है वो। ये, आप ये टॉर्च भी होती है इसके अंदर में। ये USB से सोलर पैनल है, इसको लाइट से भी चार्ज कर सकते हो। सोलर पैनल है, इससे भी सोलर पैनल है और ये बल्ब आप इसमें एक्सटेंशन कर सकते हो। ये बड़ा जबरदस्त है, ये चीज मुझे बहुत सही लगी। अच्छा ये आप टेंट के बाहर भी लगा सकते हो ऐसे। ये बल्ब आपको और एक सेकंड ऑप्शन है, ये आप मोबाइल के अडेप्टर में भी जला सकते हो। अच्छा अगर आपको ओनली बल्ब चाहिए तो बल्ब भी हमारे पास में मिल जाएगा। ये हम दोनों का सेट 5 तो ये पावर बैंक से भी हो जाएगा हमारे पास से भी हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक पावर बैंक रखा हुआ है, मैं उससे लगा के देखूंगा इसको और चला के देखेंगे। तो ये लगा के देखेंगे, ये देखिए मतलब ये पावर बैंक मेरा है, मैं साथ लेके आया था और ये पावर बैंक से भी चल गया। तो ये सही है कि अगर आपको लगाना है तो पावर बैंक से ये बाहर टेंट के बाहर लग सकता है या टेंट के अंदर लग सकता है। और साथ में फिर ये भी है, ये दोनों साथ में होते हैं। हाँ ये दोनों हाँ। ऐसे हम सेट दे रहे हैं, ये 500 का है। 500 आपको बल्ब चाहिए तो 100 रुपीज 100 रुपीज का बल्ब भी मिलता है हमारे पास में। बहुत तरह के नाइफ भी होते हैं। नाइफ में 2-3 मॉडल है, ये 200 का है। ठीक है ये इससे थोड़ा बड़ा साइज होता है,
ये 250 का है। उसके अलावा ये हमारे पास एक चकमक होता है, कहाँ है वो चकमक? आग जलाने के लिए, इसको कह सकते हो जंगलों की माचिस। ये देखो आपसे तो जल गया, ये कोई और भी जला सकता है। एक मिनट जला के दिखाओ, ये साथ में मेरा भाई आया है तो ये जला के देखेगा इससे जल रहा है या नहीं जल रहा। हाथ को बचा, चलो। अरे वाह, अरे वाह, ये सही है। ये कितने का है? ये 350। ये 350 का है। अलावा ये हमारे पास पोर्टेबल स्पॉन्ज सेट होता है। यस, इस बैग में आएगा। ये देखिए आप, ये इसमें मैगी वगैरह खाना है। सही है। आप ये इसके अलावा इसके अंदर में ये चम्मच भी होती है। तो ये सेट आपका, ये दोनों दो मिलेंगे इसके साथ, और इसके अंदर में ये नाइफ भी है और ये बियर ओपनर भी है। नाइफ भी है और बियर, हाँ बियर ओपनर, सही है। आप इसको बियर या पेप्सी कुछ भी, हाँ पेप्सी भी है। और ये आप ऐसे होल्ड करके बैग में डाल लो और बाद में आप अपनी बेल्ट में लगा सकते हैं। बेल्ट में लगा सकते हैं इनको, सही है। मतलब मेन चीज आप ये अपना रक्षक बैग वगैरह में ऐसे हैंगिंग कर सकते हो कहीं। सही है। मतलब मेन चीज मैटर करता है कि आपके पास जो भी सामान है, कम से कम सामान लेना है। मतलब हमें ऐसा होता है कि जगह नहीं होती रखने की। अब इसके अंदर में लॉक सिस्टम होता है, इसको थोड़ा ऐसे पुश करो, इसको बंद कर लो, उसको बंद कर लो और ये पैन की तरह हैंगिंग कर सकते हो। सही है। अच्छा, ये उल्टा है वैसे शायद? नहीं, ये अच्छा हैंगिंग करने का है ये पैन की तरह। हाँ सही है, मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पता ही ना चले क्या है। पैन लगेगा, ये पैन जैसा लगेगा, ये लग रहा है पैन है जैसे। तो तीन तरह के आपने मुझे चक्कू दिखा दिए। अलावा हमारे पास ये आइस स्टिक भी होती है। स्टिक ये फोल्डेबल होती है, एडजस्ट या स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप से ज्यादा नहीं खोले। और इसके अंदर ओपन और लॉक का यहाँ पे समझा रखा है, ये ओपन और लॉक का। राइट, इसको जहाँ पे स्टॉप है वहीं रोक लो, कर लो। ये तीन पार्ट में खुलती है, जैसे लॉक हो गया, जैसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। इसमें लाइट भी का भी फंक्शन अच्छी लंबी हो जाती है। हाँ, लाइट भी है, बगैर लाइट की भी होती है इसमें। तो ये लाइट वाला कितने का है? दोनों का एक ही रेट है, 450। 450 यार, ये आपको देख के ऐसे ही लग रहा है, बट जो ट्रैकिंग करते हैं उन्हें पता है कि ये कितने फायदेमंद चीज है और कितनी काम की चीज है। जब हम जाते हैं तो ये बहुत सारा हो जाता है। ये बहुत जरूरी आइटम है, जैसे आप लॉन्ग राइडिंग पे जा रहे हैं, पानी तो इसके अंदर आप पीने का पानी डाल लो या नदी वगैरह का पानी ले लो। आप बर्तन वगैरह साफ करने हैं या कल अपने को फ्रेश ही होने की जरूरत पड़ गई तो पानी हो तो बंदे पीने का पानी भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं। और यहाँ पे पकड़ने का है, पकड़ने का है ये जीटू कैरी। बाकी बैग में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अटक सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हाइड्रेशन पाउच भी होती है, ये आप अपना रक्षक बैग की तरह इसको ऐसे। अच्छा, इसके साथ है यही वाली। ये पानी के लिए रनिंग करते हुए भी लेते हैं लोग और साइकिलिंग के लिए भी होता है। इसमें सिप सिप करके अपना इसके अंदर पानी भर जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से निकल के आगे आ जाएगा और आके पी सकते हैं इससे। ये बैग की तरह टांग के अपना चलो। प्राइस है 800। पहले 750 होता था, 50 रुपए आगे से रेट बढ़ गया। उसके अलावा हमारे पास में ये ड्रेस चेंजिंग टैंक भी होते हैं। ड्रेस चेंजिंग, ये एक बार दिखा दो। ये वाला टैंक एक ऑटोमेटिक ही है एक तरह से। हाँ ये ऑटोमेटिक ही है। हाँ थोड़ी अभी जगह भी है, एक सेकंड एक बार दिखा। इसको खोलना बंद करना मुश्किल है ज्यादा। हाँ ये ऐसे आप फोटो दिखा दो। ये टेंट होता है, फोल्ड होने के बाद में ये ऐसा हो जाता है और इसका आप लगाओगे तो ऐसे ये पूरा पूरा खड़ा बंद करा दो। साथ में एक बार दिखा दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। साथ में करा दो। नहीं वो उसका स्टाइल नहीं पता चलता जी। अच्छा ऐसे है पकड़ो उधर से मैंने पकड़ लिया। ये देखो इसको खोलने में 20 सेकंड भी नहीं लगे हमें। तो ये आपका बन गया चेंजिंग रूम। इसको टॉयलेट टैंक भी बना सकते हो, लड़के लड़कियां गई अपने ड्रेस चेंज भी। सही है, आजकल प्री वेडिंग स्टूडियो वाले भी बहुत यूज कर रहे हैं। मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं बस कुछ ही दिखा। बहुत सही है यार,
ये इसकी प्राइस 1600 रुपए है। इसमें आपको कुछ ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एकदम अभी छोटा सा दिखाया था मैंने, कैसा आ गया था। तीन हिस्से में रहेगा, इसको कैरी करने के लिए या पिट्ठू की तरह हाँ लगा के सही है। मतलब कई रोड ट्रिप करते हैं तो ये उतारो अपना गाड़ी में से और कहीं पे भी जाके अपना चेंज करो आराम। ये बड़ा पब्लिक लेके जाते, ये पोर्टेबल चूल्हा होता है, ये ऐसे अटैची में आता है, इसको यूज करना हो तो इसको आप ऐसे कर लो, ये यहाँ पे आपका छोटा सिलेंडर लग जाएगा, अभी इसमें छोटा बुटेन का सिलेंडर लग जाएगा। क्या तुम बोल? अच्छा, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और होता है, वाले का 1650 रुपए कीमत है, ये ब्रीफ केस वाला। हाँ, ब्रीफ केस वाला। इसको आप ऐसे यूज करने के टाइम में ऐसे कर लो, यहाँ पे सिलेंडर लग जाएगा और ये बंद नहीं करना हो तो आप इसको ऐसे कर लो। जो इसके साथ में ये निप्पल आ रही है, जैसे आपने को घर पे एलपीजी जो अपने घरेलू गैस होती है ना, वो आप ये इस पे यहाँ लगा लो और इसको आप एलपीजी से भी चला सकते हो। इसमें दो मतलब होते ये ट्रेकिंग के लिए भी है और साथ में एलपीजी में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा भी चूल्हा, एक छोटा भी स्टोव होता है हमारे पास, ये सही है, जिसके अंदर में यहाँ सिलेंडर लग जाएगा, इसको आप हल्का सा ये लाइटर खोल के फिर यहाँ से स्पार्क दो, स्पार्क दो, सही है। स्पार्क देने के बाद में फुल फ्लेम पे अच्छा चलेगा, इसके अंदर में आप मैगी वगैरह अंडे वगैरह जहाँ तक इसको नॉन वेज तक भी पक जाएगा, नॉन वेज भी, जब नॉन वेज पक जाएगा तो फिर खाना क्यों नहीं बनेगा। जो इसके साथ सिलेंडर होता है वो 11 सिलेंडर और ये चूल्हा हम 750 का दे रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा सिलेंडर लेंगे तो 150 का है। 150 का है ये वाला 750, 750 विद सिलेंडर, विद सिलेंडर। और एक सिलेंडर कितना चलता है? 3.5 घंटा, 3.5 घंटा फुल फ्लेम में। जो घूमने वाले गए हैं उनका एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं, एक बार ऑन करके दिखाना सर। सही में चिकन बन जाएगा इस पे। ये स्लीपिंग बैग भैया मैं भी ये खरीदा है, हाँ मैं आपको सही है दिखा रहा हूँ। इसका तो वैसे मैं घर जाके भी करने वाला हूँ। ये देखिए जी, ये -5 पे आपको काम देगा, ये तो काम देगा -5 पे, मैं अभी जाऊंगा तो पता ही चल जाएगा। अभी मैंने यही वाला लिया है, फुल इसकी हाइट सही है, 7+ ही हाइट होगी हमारे पास, कोई भी पीस की छोटी साइज नहीं होगी और अंदर से एकदम गर्म है, अच्छा फीलिंग है, थोड़ा पास लगे आपको गद्दा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो ये वाला तो मैं ले जाने वाला हूँ और मैं बताऊंगा इसका रिव्यू आपको अगली कुछ वीडियो में। ये हमारे पास में फोल्डेबल चेयर भी होती है, यहाँ पे क्या तो इस पे कितने वेट वाला बंदा बैठ आराम से, इस पे 150 किलो का सिंगल बंदा हमने बैठाया है। अच्छा, अभी आप भी बैठो, मैं आपकी गोद में बैठ जाऊंगा, नहीं बैठिए आप, ये लो भैया में भी 70-80 किलो वजन है। अरे रहने दो, टूट जाएगा, गोद में बैठ जाता हूँ, टूट जाएगा, इसको बिठा दो, आने बेटा बैठ बेटा, तू बैठ जा बैठ। हाँ देखो, मैं भी होगा 80-90 किलो का, तो हाँ, और 40 किलो का भी छोटू होगा, 150 किलो कैपेसिटी है आराम से उसकी। ओ भाई पीटना नहीं है मेरे को पूरी। और ये फोल्डेबल होती है, हैवी पाइप की बनी हुई है ये। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर लो और फोल्ड करने के बाद में ये ऐसी बन जाएगी बंदूक की तरह। अरे वाह, तो इसको टांग के कहीं पे भी, जैसे आप कहीं रुके तो अपना निकल गए वहां। सही है ये वाली भी, सही चीज है। उसके अलावा हमारे पास में फोल्डिंग स्टूल भी होता है, स्टूल का रे ये देखिए, ये फोल्डिंग स्टूल, ये फोल्डिंग स्टूल होता है, इसका प्राइस 350 है, इसका फोल्ड कर लो। और इसको सबसे बड़ी बात हो रहा है, जैसे ये आपका रक्षक बैग है, रक्षक बैग, इसके अंदर में आप ये एक रस्सी वगैरह से ऐसे बांध, इसके अंदर में ऐसे बांध लो, आपको कैरी करना भी इजी है। सही है, ये वाली थोड़ा इजी है कैरी करना, ये जैसे टेंट वगैरह में आपका गद्दे का काम करेगा, 12 mm है ये मोटा, वाटरप्रूफ कपड़े का बना हुआ होता है ये। इसकी लंबाई 6 फीट है, चौड़ाई 2 फीट 4 इंची है। अच्छा, इसको नॉर्मल में 2.5 फीट बोल देते, 2.5 फीट से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, बाकी बहुत हल्का है, मतलब लाइट वेट है। सही है, लोहे की राड होती है ये पकड़ने के लिए अलग से, ये भी एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, जैसे आप चल रहे हैं तो ये तो थक जाए तो फिर अपना हाथों को से भी काम ले थोड़ा,
दिया, पहले मॉडल में नहीं होता था, अब ये नया जो है उसमें है। और हैवी पैड है पीछे, वजन आपकी बॉडी के बिल्कुल फील नहीं होएगा। सही है, ठीक है। ये 1650 रुपए का, और ये वाला बैग 10 लीटर का, इसका हाँ, अलग से हो सकता है, ये डिटेचेबल हो जाता है, ये छोटा, ये वाला छोटा बैग है। तो ये वाला बैग है अलग से, ये जैसे आपने कैंप में होटल वगैरह में रख दिया, अपनी पानी की बोतल है, छोटे मोटे खाने के स्नैक्स वगैरह, हाँ, है। है। बहुत यूजफुल है, इसके बाद में कोई आइटम बगैर सामान मतलब बाहर नहीं रहेगा, इसमें बड़े से बड़ा स्लीपिंग बैग आ जाएगा, चार दिन के ड्रेस आ जाएंगी, एक साइड में आपका टेंट आ जाएगा, एक साइड में आपका मैट आ जाएगा, उसके बाद में इसमें आपके खाने पीने के 10 लीटर में छोटे मोटे खाने के आजकल रेडी टू ईट खाने आ रहे वगैरह डाल सकते हो। तो भाई अगर आपको लेना है ट्रैकिंग के लिए कोई सामान, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लेने आया था मैंने उससे ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि मुझे सब कुछ यहीं मिल गया, और मेरे को ये नहीं हुआ कि 1% भी कि कहीं से जाके सॉक्स लूँगा कुछ और लूँगा, मैंने ये वाली सॉक्स ली है। ये सॉक्स का क्या है? वूल का सॉक्स है, प्योर वूल है, मेरिनो हाँ। वूल के अच्छा सॉक्स है। एक ही पहनना काफ़ी है, डबल नहीं, डबल सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अभी और भी 2-3 रेंज के हैं सॉक्स हमारे पास, अलग अलग है। ये 3 का सेट है, हाँ, ये 3 का सेट है। ये कितने का है? 3 के सेट का 250 रेट है, इसका 140 है, इसका 140 है, एक ही काफी है मतलब। और एक चीज रह गई, शूज रह गए, शूज शूज है ना, हाँ शूज दिखा दो लेके जाने। ये हमारे पास में जूते भी होते हैं आर्मी टाइम बॉल के, बहुत अच्छा जूता है, लाइट वेट है, देखने में बहुत बड़ा। क्या ये वाटर प्रूफ है? बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अच्छा, हमारी दूसरी एक वीडियो भी बनी हुई है, उसके अंदर में पानी वगैरह भी डाल के हमने, बाकी हैवी सोल है, खासकर हिमाचल के लोगों का बहुत प्रेमी जूता है ये। अच्छा, हिमाचल वाले लोग आते ही पहले आर्मी टाइम्स के नाम से जूता पूछते। तो बाकी मैं ये जूता लेके जाऊंगा अभी जहाँ पे भी मैं जाऊंगा, जूता जरूर कैरी करूंगा मैं, एक जूता भी ले रहा हूँ, ये एक जूता भी मुझे 10 नंबर का होगा, हाँ है 10 नंबर का एक जूता, और इसकी वारंटी नहीं, बढ़िया है, गारंटी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आराम से। अच्छा, अच्छा सर्विस देने वाला जूता, सही है। तो एक मैंने जूता लिया है, थोड़ा कर तो मैंने अभी सारा सामान दिखा दिया, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इनका नंबर, जो भी इनका एड्रेस वगैरह है सब डाल दूंगा। और ये यहाँ पे जो आपको कार्ड दिख रहा है ये इनका विजिटिंग कार्ड है, और टेंट लाइट स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीन पे भी नंबर दिखा दूंगा। ये मैंने बोला है एक बार कि एक बार पैक करके दिखाओ ये वाला बैग, तो ये प्रैक्टिकल हमें पैक करके दिखाएंगे कि एक ट्रैकिंग का बैग कैसे पैक करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़। ये देखो इन्होंने ऐसे करके सबसे पहले टेंट लगा दिया यहाँ पे साइड में, और ये मैट्रेस लगा दिया साइड में। ये देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल पैक करके दिखा रहे हैं कैसे कर सकते हैं हम पैक। और ये यहाँ पे एक अभी ये स्लीपिंग बैग है -5 वाला, चार दिन की चार ड्रेस आ जाएंगी, चार ड्रेस आ जाएगी, तो इसके अंदर अभी तक स्लीपिंग बैग रखा हुआ है एक, बड़े से बड़ा 3 बड़े से, जो ले लद्दाख में ले जो लद्दाख वो रखा है। अगर आप छोटा पीस छोटा डालेंगे तो भी बहुत स्पेस बचेगा, पीस से बड़ा पीस कोई भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में आपकी चार ड्रेस आ जाएंगी, ये आपका डिटेचेबल है, खाने पीने के सामान आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपका साइड में मैट आ गया, हाँ। ये साइड में आपका टेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये इसका टोपा होता है, ये टोपा एडजस्टेबल है, आप इसको और हाइट में भी ले सकते हो, इस पॉकेट इस थैले में ये जो इसका टोपा है, हाँ। इसके अंदर में भी पॉकेट है, इसमें भी पॉकेट, जैसे जो सामान आपको बार बार अगर यूज करना है तो आप बार की बार खोल के चैन से निकाल सकते हो। सही है, ऐसा नहीं है आपको बैग बार बार खोलना पड़ेगा, बाहर हाँ। की पॉकेट निकालो। सेकंडली इसके अंदर में ये शू कंपार्टमेंट होता है, गिल्ले अंडरवियर वगैरह हाँ। आपको रखने हो तो आप इसके अंदर यहाँ पे में ये रख सकते हो, ये चेन लगी हुई है यहाँ पे एक हाँ। और इसको खोल के रख सकते हैं, सही है, स्पेस है। लेने के बाद में आपका कोई आइटम, तो दोस्तों देख लो आपके सामने पैक करके दिखा दिया इसको, और क्योंकि मैं भी आइडिया पूछ रहा था इनसे ऐसे ही ऐसे करूंगा, तो इन्होंने बोला देखो अभी मैं अभी की अभी पैक करके दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपको स्लीपिंग बैग रखना है इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे दो, वैसे भी ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जाते ट्रैकिंग में, हम कपड़े कम से कम लेके जाते हैं,
तो एक कपड़ा पहन के ही जाता है बंदा और एक या दो डेढ़ जोड़ी अपना कपड़ा इसमें रख लेता है आराम से, पर दो जोड़ी बहुत होता है। फिर इसके बाद में ये आपका फ्री रहता है, इसके अंदर आप खाने पीने के रेडी टू ईट खाने वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ये डाल सकते हैं। इसके बाद में ये टोपा भी रख सकते हैं, इसमें ये जो टोपा है इसके अंदर में भी सामान आ जाएगा। हाँ, इसमें भी सामान आ जाएगा, सही है। बोलो आप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं? जबरदस्त। और साइड में जो ये जगह बची है, पॉकेट है इसमें, आप और साइड में जो जगह बची है यहाँ पे पानी की पॉकेट वगैरह, ये पानी की बोतल क्या कहना आ जाएगी। अगर ये टेंट वगैरह नहीं लगा रहे हो तो ये पॉकेट है। हाँ, ये बहुत सही है, ये सेफ्टी के लिए। आप जैसे इसमें जैसे ये टेंट डाला, ये ऐसे ये टेंट इसमें आ गया, देखो कितना मतलब स्पेस कितना है इसका साइड पॉकेट का। वैसे रक्षक बैग में स्पेस होता है साइड वाले में, ये 90 लीटर वाला है, नहीं 90 लीटर, तो ये जगह है इसमें सही ठीक ठाक बढ़िया। और यहाँ पे अच्छा है, भी क्रॉसिंग है। और तो मैंने ये वाला बैग अभी लिया नहीं है क्योंकि मेरे पास ये वाला, मेरे पास बैग पहले से ही है एक, बट अगर मेरे को अगला बैग लेना होगा मैं यही वाला लेके जाऊंगा, जानकारी के लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में ये अट्रैक्टिव लगा बैग। मैं ले इसीलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने 3-4 महीने पहले ही नया खरीदा है, तो अभी वो चल रहा है जब तक चल रहा है। बाकी ये है कि ऐसे पैक करते हैं तो मैं घर जाके भी ऐसे ही पैक कर लूँगा अपना बैग। तो ये सारा मेरा सामान पैक हो गया और टाइम अभी हो गया है 8:20। अभी सर भी रुके हुए थे हमारे सामान के लिए, और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। और इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये नंबर है इनका, और जो भी है बात कर सकते हो इनसे। इनका ये विजिटिंग कार्ड है, ये अनिल गोयल जी हैं जो अभी यहाँ पे हैं, और इन्हीं के ही लड़के यहाँ पे बैठते हैं और वो भी यहीं पे होते हैं, मयंक। और ठीक है, यहाँ पे यार सब कुछ मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन्फॉर्मेटिव तो लगी होगी ज़रूर, और ठीक है, कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट्स में।